लगातार ही देश विच महंगाई वधदी जा रही है। अगर गल कीती जावे पेट्रोल डीजल दे रेटा दी तां पेट्रोल भी 100 तो पार हो चुका है अते घरेलू गैस दे रेट भी 1000 दे करीब हो चुके हन। अते इस तो इलावा होर भी घरेलू वस्तां दे उत्ते बहुत सारी महंगाई च वाधा हो रहा है, जिस दे चलदे कांग्रेस वालों रोस प्रदर्शन करदे हुए अमृतसर हाल गेट दे अंदर साइकलां ते बैठ के 5 किलोमीटर साइकल चला के रोस मार्च किया गया। पूरे देश में महंगाई जो रोजाना बढ़ रही है, उसी को लेकर हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी के दिशा निर्देश पर आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी शहरी की ओर से एक साइकिल पर रोष मार्च निकालने का उपराला किया है। मोदी सरकार जो लोगों को अच्छे दिनों का वायदा देकर सत्ता में आई थी, मैं समझती हूँ मोदी सरकार के वायदे सिर्फ जुमला साबित हुए हैं। आज देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में उनके रेटों में जो बहुत बढ़ोतरी की जा रही है, आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है और व्यक्तियों लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आज देश का हर वर्ग, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, दुकानदार है, इस सरकार से त्रस्त है और सरकार जो है वो अपने कामों में व्यस्त है। आज मैं समझती हूँ पेट्रोल और डीजल आम जन की पहुँच से बाहर है, देश में लूट जीवी सरकार है।